हेलो गाइस, क्या हाल है कार के दीवानों। टाटा इस फेस्टिव सीजन में धमाके पे धमाके पहले से ही कर रहा है। आप मेरा थंबनेल देख के सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि टाटा हैरियर मत लेना, सफारी मत लेना। तो मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा हैरियर फेसलिफ्ट 2023 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। अच्छा, टाटा सफारी फेसलिफ्ट का भी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। वाओ। और मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कई भाई, आप लोगों को पता ही है, कार बुक करते हैं 1 से 2 महीने का वेटिंग टाइम होता है। और अगर कुछ लोगों को नहीं पता चलता और वो पुरानी वाली हैरियर और पुरानी वाली ही सफारी ले लेते हैं तो भाई बहुत तगड़ा रायता फैल जाएगा। यहाँ पे आपका सीधा सीधा 1 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। इवन अगर आप सेकंड हैंड हैरियर और सेकंड हैंड सफारी लेने की सोच रहे हो तो भी आपको एक बार थोड़ा सा और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस महीना रुक जाते हो, 1-2 महीने रुक जाते हो, तो कई सारे लोग अपनी हैरियर सफारी बेचेंगे और आपको अच्छे मॉडल्स मिलने की और साथ ही उनके रेट्स टूटने की भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्या है खास। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता कि इसके डायमेंशंस में कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। डायमेंशंस मुझे लगता है सेम रहेंगे। ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है और इसके अंदर पूरा वर्ना स्टाइल DRL दे दिया है, पूरा टोटली कनेक्टेड। सो ऑब्वियसली पीछे भी कनेक्टेड टेल लैंप्स भी आए गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ इंजन में भी अगर चेंजेस करे गए हों तो बहुत ही अच्छा होगा, जो कि आई डाउट कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या खास होने वाला है? क्या प्राइसेस में भी कुछ चेंजेस होंगे? प्राइसेस बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं? 5 स्टार तो इन्हें लेके आना ही आना है, इस चीज की तो 110% अश्योरेंस है कि ग्लोबल अनकैप में सिक्योरिटी के मामले में टाटा बिल्कुल भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। क्या 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 क्या? अगर हम टाटा सफारी के टीजर की बात करें, फ्रंट ग्रिल थोड़ी सी अपडेटेड है यहाँ पे, बहुत प्यारी लग रही है मेरे को पियानो ब्लैक के साथ। और इसकी जो ओवरऑल लुक है, इसमें भी सेम DRL पूरा टोटली कनेक्टेड फ्रंट से जो है, डे टाइम रनिंग आपका पूरा सेम बिल्कुल आता है वर्ना स्टाइल में ही इसके अंदर भी। सो बैक साइड भी कनेक्टेड, टेल लैंप तो आए गए होंगे इसमें भी। जैसा कि मैंने हैरियर के लिए कहा था, मैं सफारी के लिए भी सेम ही कहूंगा, इसके डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये कार भी कंफर्म्ड 5 स्टार ग्लोबल एंड कैप में लेकर आने ही वाली है। प्राइसेस मुझे लगता है बढ़ेंगे ही, कम होने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना इफ यू आर बाइंग दिस। बाय बाय।